सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। ब्रह्मचारी प्रहलाद ने बड़ी ही नम्रता पूर्वक गुरु चरणों तथा पिता के चरणों में सादर प्रणाम कर अपना कथन प्रारंभ किया, अर्थात जो समस्त उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित सबका स्वामी पुरुष नाम ईश्वर है। उस सर्वव्यापी विष्णु को मैं नमस्कार करके कहता हूँ। जैं ही प्रहलाद के मुख से अपने परम शत्रु उस विष्णु भगवान की, जिसको मारने की चिंता में दैत्यराज रात दिन व्यग्र रहता था, स्तुति सुन त्यों ही सहता उसका क्रोध भड़क उठा, चित्त बड़े विस्मय में पड़ गया और उसको प्रहलाद पर नहीं प्रत्युत अपने आचार्य पुत्रों पर बड़ा क्रोध उपजा। उसने कहा कि हे गुरुपुत्रो, तुमने अबोध जानकर प्रहलाद को यह क्या शिक्षा दी है? मेरे लड़के को इस प्रकार जड़तापूर्वक शिक्षा तुम लोगों ने क्यों दी? मेरी समझ में यह बात नहीं आती। तुम लोगों ने इतनी ढिठाई की है कि जो मेरे लिए असहाय है। तुमने मेरे परम शत्रु की स्तुति मेरे ही सामने और मेरे ही पुत्र के मुख से करवाई है, यह क्या अक्षम्य अपराध नहीं है? इसमें संदेह नहीं कि इस ब्रह्मचारी प्रहलाद ने तुम्हारी ही कृपा से यह सब कुछ सीखा है और तुम लोगों ने मेरे उपकारों को तथा भय को भुलाकर ये जो ब्राह्मणों जैसे निरंकुशतापूर्ण कार्य किए हैं, इसके लिए तुम लोगों को मैं अवश्य ही समुचित दंड दूंगा। हे द्विजधाम, तुम लोगों को मैंने पहले ही भली भांति समझा दिया था। उस समय तुम लोगों ने कैसी कैसी चाटुकारिका बातें कही, क्या अब तुम लोगों को उनका स्मरण नहीं है? मेरी समझ से तुम लोगों ने यह अक्षम अपराध भ्रमवश नहीं किंतु प्रमादवश किया है। अतएव तुम लोग प्राणदंड के योग्य हो, किंतु गुरुपुत्र होने के कारण मैं तुम लोगों को अभी क्षमा करता हूँ। परंतु जब तक आचार्यवर शुक्र जी महाराज नहीं आवेंगे, तब तक के लिए मैं तुम लोगों को कारागार में बंद रखूँगा। कारण मुझे यह भय है कि तुम लोग स्वतंत्र रहोगे तो बालकों में मेरे शत्रु की प्रशंसा के भाव फैलाओगे और सारे देश में मेरे प्रति द्रोह पैदा करने की चेष्टा करोगे। तब आचार्य पुत्र कहते हैं, हे दैत्येश्वर, हम लोगों ने आपके पुत्र को यह शिक्षा कभी नहीं दी। आप हम लोगों पर अकारण ही क्रोध कर रहे हैं।
हमारी शिक्षा तो सदैव विश्व स्तुति के विपरीत ही होती है। हमारे छात्र की दशा में ब्रह्मचारी प्रहलाद ने आपके सामने ही आपकी अवहेलना करके जो विश्व की स्तुति की है, इसके लिए हमको आंतरिक खेद है और इस निमित्त से हम अपराधी भी हैं कि हमारी शिक्षा का इसके मन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़कर उससे ठीक विपरीत प्रभाव पड़ा। अतएव हम लोग अपने लिए क्षमा नहीं चाहते, आप जैसा उचित समझे हम लोगों को दंड दे। हम लोग उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। अपने गुरुओं को पिता के को पालन का अकारण शिकार होते देख और दोनों की बातें सुन ब्रह्मचारी प्रहलाद कुछ बोलना ही चाहते थे कि उनका हृदय सहसा द्रवीभूत हो गया। इतने में दैत्यराज ने ही कहा, हे पुत्र, तुम ही सत्य सत्य कहो कि तुमको इस प्रकार की बुरी शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरु कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी। क्या यह सत्य है? यदि सत्य है तो निर्भय होकर बतलाओ कि तुमको किस आतताई ने इस प्रकार मेरे परम शत्रु की मेरे सामने ही स्तुति करने की शिक्षा दी है? बेटा, तुम जानते ही हो कि मैं न जाने कितने ब्राह्मणों और विद्वानों को केवल इसी अपराध के लिए कि वे विष्णु भक्त थे, विष्णु का नाम लेते थे और विष्णु की पूजा किया करते, प्राण दंड दिया। अतएव शीघ्र ही तुम मुझसे उसका नाम बतलाओ, मैं उसको अभी समुचित दंड देकर बतला दूंगा कि इस प्रकार का राजद्रोहपूर्ण अपराध कितना भयंकर होता है। पिता की बातें सुनकर ब्रह्मचारी प्रहलाद ने बड़े ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, अर्थात पिताजी, शासन एवं उपदेश करने वाले तो एकमात्र परमात्मा विष्णु ही है, जो सारे जगत में सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान है। उनके सिवा दूसरा कौन किसको उपदेश देकर शासित कर सकता है? तब हिरण्यकश्यप कहता है, बेटा, तू बड़ा मूर्ख प्रतीत होता है, जो मेरे ही सामने बारंबार विष्णु का नाम लेता है। तीनों लोकों का तो मैं ही अधीश्वर हूँ, मेरे सामने कौन दूसरा ईश्वर हो सकता है? तब प्रहलाद कहता है, पिताजी, जिस परमात्मा का परिचय शब्दों द्वारा नहीं दिया जा सकता, जो केवल योगियों के ध्यान में आता है तथा जिससे यह सारा विश्व उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं विश्वरूप है, वही परमेश्वर मेरा विष्णु है। तब हिरण्यकश्यप कहता है, रे मूर्ख प्रहलाद, मेरी उपस्थिति में कौन दूसरा परमेश्वर है? तो बारंबार जिसका नाम लेता है वह कहाँ है? मालूम होता है कि तेरी मृत्यु समीप आ गई है। पिता के कोप को बढ़ते देख प्रहलाद ने बड़ी धीरता और शांति के साथ कहा, हे तात, आप क्रोध क्यों करते हैं? वह विष्णु केवल मेरे ही ईश्वर नहीं, प्रत्युत सारी प्रजा के एवं आपके भी वही ईश्वर हैं। इतना ही नहीं, सबका धारण करने वाले
धाता और सबको रचने वाले विधाता भी वही हैं। हिरण्यकशिपु न जाने इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में किसका प्रवेश हो गया है जो यह इस प्रकार के असाधुवाद कर रहा और आवेश के साथ पक रहा है। तब प्रहलाद कहते हैं, पिताजी, जो विष्णु मेरे हृदय में प्रविष्ट हैं, वे केवल मेरे ही नहीं, वे ही सारे संसार के और आपके हृदय में भी प्रविष्ट हैं और वही सब कुछ कहलाते और कराते हैं। प्रहलाद को शांत होते न देखकर पुत्र प्रेमवश दैत्यराज ने क्रोध को शांत करके कहा, हे मंत्रीगण, इस दुष्ट बालक को यहाँ से जल्दी निकालो, इसको गुरुकुल में ले जाकर समझाओ। मालूम होता है कि किसी विपक्षी दल के व्यक्ति ने इसे हमारे शत्रु की स्तुति करना सिखला दिया है, इसका अधिक दोष नहीं है। दैत्यराज की आज्ञा पाकर ब्रह्मचारी प्रहलाद पुनः गुरुकुल पहुँचाए गए और वहाँ आचार्य लोग उनको भांति भांति की शिक्षा नीति देने लगे। उधर प्रहलाद पुनः गुरुकुल में अध्ययन करने लगे और इधर दैत्यराज कठोर शासन करने लगा। यो तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु हृदय से विष्णु का वैर भाव एवं क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होता था, किंतु जब से प्रहलाद के मुख से उसने विष्णु की स्तुति सुनी तब से मानो उसके वैराग्नि में घी की आहुति पड़ गई। उसने अपने असुर अधिकारियों द्वारा सर्वत्र बड़े जोरों से उत्पात मचा दिया। देवताओं की तो जो दुर्वस्था की शोकी है, उन मनुष्यों को भी नाक में दम कर दी जिस पर नाम मात्र को भी विश्व पक्षी अथवा देवानुयायी होने का संदेह हुआ। इस बात की खोज में असुरों को गुप्त रूप से नियुक्त किया गया कि वे देखें कहाँ कौन विश्व भक्त अथवा देवताओं का पक्षपाती है। दैत्यराज को प्रहलाद के वचनों से यह पूरा पूरा विश्वास हो गया था कि उसके विरुद्ध विश्व भक्ति के प्रचार का कोई दल है जो गुप्त रूप से लोगों में, यहाँ तक कि राजकुमार के मन में विश्व भक्ति उत्पन्न करने में लगा हुआ है। इसी कारण उसने ऐसे षड्यंत्रकारी दल की खोज के लिए असुरों को गुप्त दूत के रूप में नियुक्त कर उसको कड़ी आज्ञा दी कि यदि वे असावधानी करेंगे और संसार में एक भी विष्णु भक्त व्यक्ति रह जाएगा तो उन लोगों का कुशल नहीं। असुर तो यो ही देवताओं और मनुष्यों के शत्रु होते हैं। फिर उनको दैत्यराज की खुली आज्ञा मिल गई। उनको मानो अपने शत्रुओं पर अत्याचार करने और कराने का पूरा साधन मिल गया। वे निष्कारण ही देवताओं और मनुष्यों को ढूंढ ढूंढ कर सताने लगे एवं व्यर्थ ही झूठी झूठी बातें बना लोगों को विष्णु भक्त अथवा दैत्य शत्रु कह कहकर दैत्यराज के कोप वहिन्न का ईंधन बनाने लगे। नित्य ही न जाने कितने ब्राह्मण मारे जाते, फांसी पाते और उनकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली जाती। विचाराधीन अपराधियों की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ते थे। मदमत दैत्यराज भी बिना कुछ सुने सुनाए भी लोगों को राज विद्रोही ठहरा प्राणदंड देने लगा। इस प्रकार
चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग खुल के रोने भी नहीं पाते थे। सब लोग ओठों के भीतर भीतर त्राही भगवान त्राही भगवान का जप रात दिन जपने लगे। देवताओं ने घबराकर अपनी विपदा सुनाने के लिए अपने आचार्य गुरु जी को बुलाया। उनको सारी कहानी सुनाने के पश्चात देवताओं ने उनसे यह भी प्रार्थना की कि यदि शीघ्र ही इस दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वध का उपाय आप नहीं ढूंढ निकालेंगे तो हम लोगों का अंत ही समझिए। हम लोग ढूंढ ढूंढ कर सताए और मारे जा रहे हैं। हमारी जीविकाएं अर्थात यज्ञ आदि बंद कर दिए गए हैं और हम लोगों के सारे के सारे पद और अधिकार दैत्यराज ने बलात् छीन लिए हैं। हम लोगों की अर्चा पूजा करने वाला प्रथम तो कोई रहा ही नहीं, फिर यदि कोई दुबा छिपा हुआ है भी उसको रात दिन यही चिंता लगी रहती है कि अब गए अब गए। ऐसी दशा में बिरले ही दृढ़ मनुष्य होंगे जो धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः पर दृढ़ रहकर काम करते हैं। सारांश यह है कि अब हम लोग सब प्रकार से अपमानित और पीड़ित हो चुके हैं। यदि हम लोगों के उद्धार का कोई उपाय नहीं हो सकता तो फिर जीवन की अपेक्षा दैत्यराज के क्रोध रूपी अग्नि में हम लोगों को अपनी आहुति ही देनी चाहिए। देवताओं की करुणा कथा सुनकर बुद्धिमान बृहस्पति जी ने बड़े ही शांत भाव से सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवताओं, अपने पद को पुनः पाने अथवा अपने सांप्रदायिक कष्ट के निवारण के संबंध में अधीर मत हो। काल बड़ा बलवान है, तुम लोगों को धैर्य धारण करना चाहिए और इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जब तुम्हारा वह सर्वाधिपत्य सुख नहीं रहा तब यह दैत्यों की रास्ता का दुख भी न रहेगा। सुख दुख तो रथ के चक्र के आरे के समान आते जाते रहते हैं, इसका घूमना कभी बंद नहीं हो सकता। जो इस काल चक्र की गति को जानते हैं और धीरज धारण कर अपने दुखों को सह लेते हैं वे पुनः सुख प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं। संसार का यह साधारण नियम है कि जब दुख होता है तब लोग करुणा वरुणालय केशव का स्मरण करते हैं और दीनानाथ के शरण जाते हैं। उनके हृदय दुखी होने से शांत दयालु सहिष्णु हो जाते हैं। अतएव दीन बंधु भगवान उनकी प्रार्थना सुनते और उनके दुखों को दूर करते हैं। इसी प्रकार जब अधिकार प्राप्त होता है और संसार के सारे सुख अपने चेहरे बने हुए से दिखलाई पड़ने लगते हैं तब लोग अभिमानी हो जाते हैं। वे अभिमान के वशीभूत हो दीन दुखियों को अपना विपक्षी मान सताने लगते हैं तथा मदोन्मत हो भगवान के स्वरूप इस जगत को अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति विरुद्ध चलाने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं तथा अपने नियंता परमात्मा को भूल जाते हैं। ऐसी दशा में भगवान उनके उद्धार के लिए तथा अपने सांसारिक नियमों की रक्षा के लिए भी उनको दंड देते हैं, क्योंकि अभिमान भगवान का आहार है, इसलिए वे उसके ऐश्वर्य का नाश करते हैं, उसके परिजनों का संहार करते हैं और अंत्योदगत्वा न सुधरते देख उनका भी वध करके
उद्धार करते हैं। अतएव घबराने की कोई बात नहीं, अब दैत्यराज के अभिमान की सीमा नहीं रही, उसके अत्याचारी की इति हो गई। वह शीघ्र ही अपने अत्याचारों और अभिमान का शिकार होगा। आप लोग कुछ दिनों तक और धैर्य धारण करें। देवतागण कहें, आचार्य जी महाराज, हम लोगों को तो दिनों दिन उसकी शक्ति बढ़ती ही दिखलाई देती है। हमारे दुख का भी कभी अंत होगा, इस पर हमें विश्वास ही नहीं होता। फिर उसके वरदान का बल सुनकर तथा अन्य कोई बुरे लक्षण दिखलाई न देने से हम लोग अधीर हो रहे हैं। तब देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, हे देवगण, यही समय तो धैर्य धारण करने का है। जो मनुष्य विपत्ति में धैर्य धारण करते हैं, वे अपने अपार दुख सागर से अनायास ही तर जाते हैं। इस समय आप दुखी हैं, अतएव आप लोगों को दैत्यराज के बुरे लक्षण दिखलाई नहीं देते। हमारी समझ से इस समय उसके बड़े बुरे लक्षण हैं। उसका अंत समय समीप आ गया है और आप लोगों के अच्छे दिन अब दूर नहीं हैं। देवगण, दैत्यराज हेड़े कशिपु अब प्रायः छिड़ भाग्य हो गया है, क्योंकि उसके हृदय में शोक रूपी शत्रु ने अधिकार जमा लिया है। शोक रूपी शत्रु ऐसा प्रबल होता है कि उस पर विजय पाना तो दूर रहा, उससे पिंड छुड़ाना भी यदि असंभव नहीं तो कष्ट साध्य अवश्य है। शोक बुद्धि को नाश कर देता है और पढ़े लिखे लोगों के वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को भी भुला देता है। शोक सभी प्रकार से मतिमानों की मति को नाश करता है। शोक बड़ा ही प्रबल है, इसके आक्रमण को सहन करने की शक्ति प्रायः किसी में नहीं। दारुड़ शास्त्र शास्त्रों के आघात को मनुष्य सहन कर सकता है, अग्नि की उष्णता को सह सकता है, किंतु शोक रूपी दावानल को मनुष्य सहन नहीं कर सकता। शोक को काल का संदेशा समझना चाहिए। जिसको शोक रूपी शत्रु ने घेरा, समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु समीप आ गई है। इसी कारण हम लोग यह अनुमान करते हैं कि हिरण्यकशिप के मृत्यु के दिन समीप आ गए हैं, क्योंकि उसको शोक रूपी प्रबल शत्रु ने आ घेरा है। इतना ही नहीं, आजकल तो दिव्य अंतरिक्ष और भौतिक शगुन हो रहे हैं, वे भी यही सूचित करते हैं कि दैत्यों के आधिपत्य का विनाश होने वाला है और धर्म प्राण देवताओं का पुनः आधिपत्य स्थापित होने वाला है। यही बात पंडित लोग भी कहते हैं कि अब दैत्यराज की अत्याचारी शासन के दिन समाप्त हो चले हैं, शीघ्र ही देवता अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे। तब देवगण बोले, आचार्य चरण, आपकी अमृत तुल वचनों से हम लोगों को बड़ी शांति मिली है और आशा भी हो रही है कि हमारे दुख मिटेंगे, किंतु आपने दैत्यराज के शोक की जो बात कही है वह हम लोगों के समझ में नहीं आई। उसको शोक किसका बात का हो सकता है? उसके विरोधी बड़े से बड़े देवता और दिक्पाल या तो कारागार की दारुण यातनाएं भोग रहे हैं या उसी की दास्ता में अपना नरकी जीवन बिता रहे हैं। जो उग्र विचार के लोग उसके विरोधी थे, वे या तो फांसी पर लटका दिए गए या कंदराओं में छिपे हुए अपने मृत्यु के दिन गिन रहे हैं। सारे संसार में
उसी का एकाधिपत्य है, सब ओर उसकी विजय का डंका बज रहा है। उसका न तो कोई ऐसा शत्रु है जिसके उसको भय हो और न आजकल उसका शत्रु बनना ही सरल काम है। ऐसी दशा में उसको किस बात का शोक होगा यह हमारी समझ में नहीं आया। इस समय उसको दूध पूत दोनों ही प्रकार के सुख प्राप्त हैं, उसको कष्ट है ही किस बात का, कृपया इसका रहस्य हमको समझाइए। तब बृहस्पति देव कहते हैं, देवतागण आप लोग उसके आंतरिक दुख को नहीं जानते, उसके शोक को आप नहीं पहचानते। यह आश्चर्य की बात है, जब से उसके भाई हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मारा है तभी से वह शोक नल में जल रहा है और उसी शोक के आवेश में उसने विष्णु भगवान से और उनके भक्तों से शत्रुता ठानी है। अभी हाल में एक नई घटना और हुई है, उसके छोटे पुत्र प्रहलाद ने विष्णु भक्ति की दुमदुम्भी बजाई और उसकी राजसभा में उसी के सामने जाकर विष्णु की स्तुति की, उसकी स्वरता सिद्ध की है और दैत्यराज की स्वरता को तृण के समान भी न समझा। इस कारण अब उसके अपने ही अंग में रोग लग गया, जिसके शोक से वह व्याकुल हो रहा और रात दिन उसको यह चिंता घेरे रहती है कि प्रहलाद की बुद्धि कैसे पलटे। प्रहलाद की बुद्धि पलटने वाली नहीं, अतएव उसका शोक भी घटने वाला नहीं। जब घर ही में बैरी है तब दैत्यवंश के नष्ट होने और उसके आधिपत्य के अंत होने में क्या संदेह है। इस बात को दैत्यराज हिरण्यकशिपु भली भांति जानता है, इसीलिए उसको शोक और बहुत बड़ा शोक है। हे देवगण, अवसर सदा नहीं मिलता, अवसर पर काम न करना आई हुई सफलता अपने आप तिरस्कार करना है। इस समय दैत्यराज शोकाकुल है, शोक के आवेश में वह ऐसे घोर अत्याचार कर रहा है जिसको देखकर दया निधान भगवान लक्ष्मी नारायण का भी आसन ढोल गया होगा। अतएव इसी समय यदि तुम लोग भगवान के शरण जाकर उन्हें अपनी विपदा सुनाओगे तो वे तुरंत दैत्यराज के विनाश का उपाय करेंगे। तुम लोग जैसे ही जाओगे वैसे ही वे प्रसन्न होकर तुम्हारा कार्य साधेंगे, इसमें संदेह नहीं। देवताओं ने गुरुवर बृहस्पति जी के आदेशानुसार शीघ्र ही जाकर विष्णु भगवान से उनकी विपदा सुनाने का आयोजन किया। यात्रा की सुंदर तिथि में सविधि पुण्या वचन और स्वास्थ्य वचन कराकर देवताओं ने यात्रा की और सिफारिश के लिए देवदेव भगवान शंकर को भी साथ लेकर आगे कर लिया। सब क्षीर सागर के उत्तर किनारे पर जा पहुँचे तथा स्तुति करने लगे। विष्णु जिष्णु विभु देव महेशा यज्ञपाल प्रभु विष्णु सुरेशा लोकात्मा गृष्णु जनपाल की जय कृपा शत्रुकुल घाल केशव कल्प किसीहा स्वामी सब कारण कारण खगगामी कर्मकारी वामता अधीशा वासुदेवपुर संत ईशा।
देवताओं की ओर से शंकर जी द्वारा गाई हुई स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी देवताओं का विशेषकर शंकर तथा महारानी जगदम्बा पार्वती का स्वागत यथोचित अभिनंदन करते हुए बोले, हे देवगण, तुम लोगों की ओर से भगवान देवादिदेव महादेव जी ने हमारे इस सौ नामों के द्वारा हमारी जो अपूर्व स्तुति की है, इससे हमें अत्यंत प्रसन्न है। तुम लोग क्या चाहते हो बताओ, हम तुम्हारे काम के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।